आपको अपनी रक्षा स्वयं करनी पड़ेगी। तो आधुनिक द्रौपदी की एक कथा है कि जब दुशासन को दुर्योधन ने भेजा कि जाओ द्रौपदी को लेकर आओ, क्योंकि ये इनके पति जो है जुए में हार चुके हैं। वो जब दुशासन आधुनिक द्रौपदी की कथा में जब द्रौपदी का अपमान करने की नियत से पहुँचता है और उसके कक्ष में चला जाता है, कभी किसी महिला के कक्ष में ऐसे तो घुसना नहीं चाहिए, वो घुसता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद जो राजमहल में दरबार में दृश्य पैदा होता है कि द्रौपदी खड़ी हुई है, उसके एक हाथ में तलवार है और एक हाथ में दुशासन का कटा हुआ सिर है। सब पूछते हैं, देखते हैं ये क्या हो गया। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर, अश्वत्थामा और बड़े बड़े योद्धा विद्वान लोग देखते हैं ये क्या हुआ। द्रौपदी के हाथ में खून से सनी हुई तलवार और दुशासन का कटा हुआ सिर। बोले ये कैसे हो गया। तो द्रौपदी कहती है, मैंने द्वापर युग का इतिहास पढ़ा है, जब मेरा अपमान हो रहा था, जब मेरी इज्जत उतारी जा रही थी, तो ये बड़े बड़े जो ज्ञानी लोग हैं ये सब सिर झुकाकर नीचे बैठे हुए थे, इसमें से किसी ने कुछ कहा नहीं। मेरे प्रतिष्ठा को तार तार होते ये लोग देख रहे थे, मेरे जी रंग को देख रहे थे। अरे द्वापर युग में तो कृष्ण भगवान मुझे बचाने आ गए थे, लेकिन मुझे ये कथा पता है कि इस कलयुग में कोई आएगा नहीं, तो मैंने बचपन से इसकी तैयारी कर ली थी कि कोई मेरे साथ ऐसा करे, तो उसका परिणाम आप देख रहे हैं कि ये इसका कटा हुआ सिर है। उसी तरीके से हमको खुद मजबूत बनना पड़ेगा, अपनी रक्षा स्वयं करनी पड़ेगी। तो आप कैसे मजबूत बने इस कलयुग में, कैसे आत्मनिर्भर बने, खुद से भले कुछ 3,000, 5,000, 10,000 शुरुआत कमाना चालू करो, लेकिन अपनी मेहनत से उसको कमाना चालू करो। आज देखोगे 2,000 तो आ रहा है, 3,000 तो आ रहा है, नहीं ऐसा मत सोचो, काम चालू कर दो। अगर आज तुम 2,000 कमाने के लायक हो तो एक साल बाद तुम 20,000 कमाने के लायक बन जाओगे, 2 साल बाद 50,000 कमाने के लायक, क्योंकि महिलाएं बच्चियां कमा रही हैं, पढ़ लिख रही हैं। तो आप कैसे अपने पैरों में खड़े हो कि